अब देखिए कोस्टल रीजन्स को अगर हम लोग देखें, इंडिया का कोस्टल रीजन अगर हम देखें तो वो किस तरह से चलता है। कोस्टल रीजन को अगर हम देखें तो इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाते हैं, ये वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है। ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में ईस्टर्न प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स। तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हर राज्य में इनको अलग अलग नाम दिया गया है। जो कोस्ट होते हैं उनको अपने अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे गुजरात में, गुजरात में इसे कहा जाता है सौराष्ट्र कोस्ट, सौराष्ट्र कोस्ट। महाराष्ट्र में अगर कहें तो इसे कहा जाता है कोंकण कोस्ट, कोंकण हो जाता है ना। फिर कर्नाटक में अगर हम कहें तो इसी को कहते हैं कनारा, कनारा भी कहते हैं और कन्नड़ भी कहते हैं इसे, कन्नड़ कोस्ट या कनारा। इसी तरह से जो आपके केरला है, केरला में क्या कहा जाता है, मालाबार। केरला में कोस्ट को मालाबार कहते हैं। तो हर रीजन में अपना अलग अलग नाम है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसको जो है, पूरे इस रीजन को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल, कोरोमंडल हो गया, कोरोमंडल कोस्ट। इसी तरह से उड़ीसा जो है, उड़ीसा में क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार कोस्ट। और वेस्ट बंगाल में ये कहा जाता है बंगाल कोस्ट, वेस्ट बंगाल में बंगाल कोस्ट। तो जितना भी कोस्टल रीजन है इन सबको राज्यों के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू स्टेट, इनका अलग अलग नाम दिया गया है। तो गुजरात के जो आपके ये पूरे कोस्ट हैं, तो ये पूरे कोस्ट जो गुजरात में लाई करते हैं, इन सबको कहते हैं सौराष्ट्र। जो मुंबई और जो है आपके एक तरह से गोवा में पाए जाने वाले कोस्ट होते हैं, वो हो जाते हैं कोंकण, कोंकण के नाम से आने जाते हैं। कनाडा में, सॉरी, जो आपके कर्नाटक में जो कोस्ट है वो कन्नड़ या कनारा, तो कनारा या कन्नड़, इसको सी से भी लिखते हैं, के से भी लिखते हैं, कहीं ना कहीं के से भी लिखते हैं, कनारा। तो कन्नड़ या कनारा कोस्ट के नाम से जाने जाते हैं। फिर जो आपके एक तरह से होते हैं इस केरला में, तो केरला के कोस्ट को क्या कहा जाता है, मालाबार कोस्ट। फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये पूरा रीजन क्या कहलाता है, कोरोमंडल कोस्ट। फिर इस पूरे जो रीजन होता है, जो उड़ीसा में होता है, उसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार कोस्ट। और यहां पर बिहार, जो वेस्ट बंगाल में होता है, उनको कहा जाता है बंगाल कोस्ट। ये बंगाल कोस्ट के नाम से जानते हैं। अब ये जो है आपके एक तरह से अलग अलग कोस्ट हो गए, सबकी अपनी अलग अलग स्पेसिफिकेशन भी है। जैसे सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र को क्या कहा जाता है, इसको टाइडल कोस्ट भी कहा जाता है। टाइडल कोस्ट क्यों कहते हैं, ज्वार, ज्वार भाटा होता है, टाइड्स एंड एब्स। ज्वार क्या होता है, टाइड्स क्या होता है, जब समुद्र का पानी ऊपर उठ जाता है ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून, मून जो है अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर उठ जाता है। कभी कोस्टल रीजन में जाइए आप, देखिए जैसे जैसे सनसेट होगा वैसे वैसे पानी और अंदर आता चला जाएगा स्थल में। तो पानी जो है आपके समुद्र का पानी स्थलीय क्षेत्र में आता है, लैंड सरफेस में अंदर पेनिट्रेट करता है। क्यों, क्योंकि सी लेवल उठता जाता है, सी लेवल उठ जाता है। तो ये जो आपके, तो यहां पर गुजरात में बहुत ज्यादा उठता है, तो ये क्या है आपका सौराष्ट्र कोस्ट। इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए टाइडल कोस्ट भी कहते हैं, ज्वारी तट भी कहा जाता है। इसकी ये विशेष चीज है जो कि यहां पर पाई जाती है। बंगाल कोस्ट जैसे है, तो ये बंगाल कोस्ट जो है आपके फिशरी कोस्ट भी कहा जाता है इसे, क्योंकि फिश प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे फिश पकड़ी जाती है। पूरे बंगाल में ही आपके फिश बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए जो है आपके इसको कहा जाता है। और प्लस इसे डायमंड हार्बर भी कहते हैं। डायमंड हार्बर क्यों कहते हैं, डायमंड आप जानते हैं हीरा है, और हार्बर जो होता है सी पोर्ट्स को कहा जाता है, जहां पे जहाज आके खड़े होते हैं जल वाले। तो इसको डायमंड पोर्ट जो है हार्बर क्यों कहते हैं, जब सनसेट होता है या सनराइज होता है, तो यहां पर जो बालू रेत के पार्टिकल्स होते हैं वो चमकते हैं,
हीरे की तरह से एकदम, इसीलिए इसको डायमंड हार्बर के नाम से जाना, तो डायमंड हार्बर भी इनका नाम है जो कि इस कोस्ट को दिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा जो कोस्टल रीजन है, तो ये कोस्टल रीजन में सब अपने अपने अलग अलग जो है आपके एक तरह से वेरियस पार्ट्स हैं जो कि आपके अलग अलग पाए जाते हैं। और खास तौर से अगर हम देखें तो कुछ पर्टिकुलर रीजन ऐसे होते हैं, अब इनका नाम जो दिया गया है ये अलग अलग जो है आपके रीजन की वजह से दिया गया है या आपके स्टेट वाइज दिया गया है कि स्टेट वाइज में आपके जैसे कोंकण जो कहा जा रहा है वो महाराष्ट्र और जो है आपके इसमें कहा जा रहा है जो गोवा का रीजन है, कर्नाटक में आते ही वही कनाडा या कन्नड़ हो जाता है, केरल में एंटर करते ही वही मालाबार हो जाता है, वो मालाबार कोस्ट होने लगता है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में इसको पूरा कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, फिर इसी तरह से नॉर्दर्न सरकार हो गया और फिर बंगाल कोस्ट हो गया। ये जो कोस्टल रीजन्स हैं ये मेनली क्या है, अगर हम ईस्टर्न कोस्ट पर देखें तो ईस्टर्न कोस्ट पर ये सब डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है, जब रिवर्स आती है तो रिवर्स आकर के फैल जाती है, तो अभी रिवर आप पढ़ेंगे डेल्टा पढ़ेंगे, नदी जब गिरती है समुद्र में सी में तो रिवर जब फ्लो करके आती है और सी में जाने लगती है तो वो एक्सपैंड कर जाती है, ढाल कम हो जाती है, स्लोप कम हो जाता है, धीमे धीमे बहती है और धीमे धीमे बहने की वजह से फैल जाती है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे फैला हुआ होता है, इसी को डेल्टा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा जो है आपके एक तरह से शेप को बनाता है, तो ग्रीक लैंग्वेज में जो डेल्टा शेप होता है उस तरह बन जाती है, तो ये जो इसी वजह से इनको डेल्टा कहते हैं, नदी के गिरने वाला स्थान जहां पे रिवर्स समुद्र में गिरती है वो डेल्टा होता है। तो जितनी नदियां हैं वो सारे डेल्टा बनाती हैं, तो यहां पे कावेरी नदी का डेल्टा मिलेगा, यहां पे कृष्णा नदी का डेल्टा है, यहां गोदावरी नदी का डेल्टा है, यहां महानदी का डेल्टा है, यहां पे आपके दामोदर नदी का डेल्टा है, तो ये पूरा डेल्टा होता है जो इधर मिलता है। इन रीजन्स में भी डेल्टा है, जैसे ये पूरा रीजन जो होता है यहाँ पे डेल्टा तो नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि ज्वार ज्यादा आते हैं, जहां पे ज्वार आते हैं टाइड्स आते हैं वहां डेल्टा क्या होता है दिखता ही नहीं है क्योंकि पानी में डूबा होता है, तो इसलिए वेस्टर्न कोस्ट पे आपको डेल्टा नहीं मिलेंगे। नदियां गिरेंगी, छोटी छोटी नदियां गिरती हैं, लेकिन मेनली सारी नदी कहां गिर रही है ईस्ट में। क्यों गिर रही है, हमने आपको बताया, क्योंकि इसका रीजन क्या है, वेस्टर्न कोस्ट बड़ा हुआ है, ऊंचा भाग है, और ये ईस्टर्न कोस्ट जो है वो क्या है, ये आपके नीचा है, ये 900 मीटर ऊंचा है वेस्टर्न कोस्ट इंडिया का, और जबकि ईस्टर्न कोस्ट क्या है 600 मीटर ऊंचा, तो पूरी ढाल पाई जाती है, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में हमने दिखाया था कि ये पूरी ढाल होती है, ये 350 मीटर ऊंचा भाग, ये 250 मीटर, ये 100 मीटर, ये 50 मीटर, ये पूरा इस तरह की ढाल है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स में बहने वाली जितनी नदियां हैं वो सब इधर बहती हैं और बंगाल बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। उसी तरह सदर्न इंडिया में पेनिनसुलर प्लेटू में जितनी नदियां हैं वो सब जो है ईस्ट में बहती हैं, आपके वेस्ट टू ईस्ट, और सब जो है ज्यादातर सब कहां गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, इसीलिए गिरती है।